लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि बैटरी जो है इसका बैकअप कैसा है। ठीक है, तो बैटरी बैकअप जो है प्रो, और ये नीचे काफी अच्छी लग रही है स्टिकरिंग ग्राफिक्स। हाँ, ये अब अभी इन्होंने ग्राफिक्स इंस्टॉल करे सारे, इसी के ऊपर लगा दिया था। मतलब इसको अच्छे से जान गए कि ये स्कूटर किसका है, किसका स्कूटर है, और ये यूट्यूब पे डाला हुआ है। ये डिसअपॉइंटमेंट है इधर की बहुत ज्यादा। इन्होंने जैन 3 निकाला, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट किया उसको और मार्केट में उतार दिया, सेम एप्पल वाला हिसाब किताब। तो भैया थ्रोटल शॉटल पे भी है इधर का, देखो चार्जर, ये देखो एथर ग्रिड, तो कंप्लीट यहाँ पर सेटअप है चार्जिंग का। तो चंदन भाई का ये स्कूटर आपने देखा होगा इन्हें चैनल पे, हाय हेलो बोल दो हमारे व्यूअर्स को। हाय व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने रिव्यू दिया था, काफ़ी अच्छी वीडियो चली थी वो वाली एथर का रिव्यू था। और आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है और आई बटन में भी लिंक आ रहा है, चेक कर सकते हो आप। तो अभी इसके बारे में और कुछ बताओ हमें, 20,000 किलोमीटर चल चुकी है ये। हाँ, 20,000 किलोमीटर अभी फाइनली इसने पूरे कर दिए। ये देखो अभी लाइट काफ़ी ज़्यादा है, ये देखो ध्यान से, तो 20,000 चल चुकी है, 20,000 प्लस ही चल चुकी है, 21,000 होने वाले हैं। 54 किलोमीटर। हाँ, तो हमने 12,000 इसका रिव्यू किया था, 12,000 तो कैसा रहा इसका, मतलब 12,000 के बाद का, मतलब थोड़ा बताओ मेरे व्यूअर्स को। 12,000 के बाद जो है इसकी सर्विस करवाई थी 15,000 रुपये। अच्छा अच्छा, उसके बाद इसकी सर्विस एक्चुअली 5,000 किलोमीटर पे होती है, 5,000 किलोमीटर पे होती है, फिर उसके बाद जो है अभी तक ये चल रहा है, मतलब सही प्रॉब्लम उसके बाद। अच्छा, 12 का सर्विस नहीं कराई आपने अभी तक? नहीं, 12। अच्छा, 12 का सर्विस, अच्छा जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, 12 के बाद जो है 15,000 रुपये इसकी सर्विस हुई थी। हुई थी, अच्छा। उसके बाद जो है अभी तक सर्विस नहीं होती 15,000 के बाद। ओके, 15 के बाद अभी टाइम अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा बस कुछ किलोमीटर बाद हो गया है टाइम, मैं अभी लेकर नहीं आता इसको। अच्छा अच्छा, तो कुछ इसमें टेक्निकल इशू फेस हुआ कुछ? नहीं, अभी तक कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है टेक्निकल। ओके ओके, और कुछ बताना चाहो हमारे व्यूअर्स को आप, इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ? और सबसे बढ़िया एक जो इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी है। अच्छा, क्योंकि एक आध साल में ना स्कूटी की जो फाइबर वगैरह हिलने लग जाते हैं। ओके, तो अभी तक इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे आई नहीं। हाँ, तो बॉडी वगैरह में इसके मैं जो है अभी तक कोई इशू वगैरह नहीं आया है, अभी तक इसकी जो किसी भी तरह की आवाज़ वगैरह इसमें से नहीं आती है, तो उसको लेकर तो मेरे को कोई शिकायत नहीं है। और बाकी भी स्कूटर मेरा सही चल रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक मेरे को फेस करने की जरूरत पड़ी नहीं है। और कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि बैटरी जो है इसका बैकअप कैसा है। ठीक है, तो बैटरी बैकअप जो है ये अभी भी वही दे रहा है जो इसका पहले था। ओके, ठीक है ना, बैटरी बैकअप में इसका डाउन नहीं हुआ है अभी, कि बैटरी लाइफ जो है इसकी हेल्थ जो है कम हो जाती है जैसे, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें मैंने जो है फेस किया। और इसकी जो हवा वगैरह ना, ये सारी चीज़ें हमें मेनटेन रखनी पड़ती है ज़्यादातर, ठीक है, तभी जो है ये ठीक से आपको रेंज निकाल के दे पाएगा। बाकी कोई इशू नहीं है, बढ़िया चल रहा है अभी तक तो, सही है। और इसमें मैं देख रहा हूँ स्टिकरिंग वगैरह आपने करी है जैसे ये रेसिंग प्रो, और ये नीचे काफ़ी अच्छी लग रही है स्टिकरिंग ग्राफिक्स। हाँ, ये नीचे पिस्टन ग्राफिक्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे अमेज़न, ऑनलाइन मंगाए थे अमेज़न से। हाँ, और ये मैंने खुद बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा खुद ही इस तरफ। ओके ओके ओके, ये इसके व्हील को ना और भी ज़्यादा इसके, हाँ ये वाला देखो, ये आपने पहले नहीं देखा होगा गाइस, पहले जो इससे वीडियो आ रही है उसमें नहीं होगा ये सब। अब अभी भी इन्होंने ग्राफिक्स इंस्टॉल करे सारे, इसी के ऊपर लगा दिया था, मतलब ये इसके पे पहले से लगे हुए थे। ओके ओके, तो मैंने इसको निकाला नहीं है, इसी के ऊपर आपने टेपिंग कर दी, टेपिंग कर दी तो वापस इस पे सही लग गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये भी था, और इन डिटेल वीडियो तो गाइस इसकी आई रखी है इसके चैनल पे, मेरे चैनल पे पूरी आ रखी है, इस साइड भी लगे हुए यहां पे, यहां पे भी लगे हुए दिखाया हमने व्यूअर्स को। तो इनका भी चैनल है अपना पूरा, ऑटोमोबाइल्स एंड फूड ब्लॉगिंग दोनों चीज़ का है, नाम है उसका घूमो फिरो खाओ पियो, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है सामने, तो डू सब्सक्राइब गाइस। और डेडपुल काफ़ी फेमस हो चुका है, डेडपुल ये आप देख रहे हो, थोड़ा स्टोरी बताओ डेडपुल की स्टोरी, इसकी चाबी से है, चाबी तो जब भी, हाँ जब भी ये जाते हैं शोरूम पे, हाँ इसको तो अच्छे से जान गए कि ये स्कूटर किसका है, किसका स्कूटर है, और ये यूट्यूब पे डाला हुआ है, वैसे प्रेफरेंस काफी मिलता है अब शोरूम पे जाके, अब इसकी इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अभी आप कुछ बता रहे थे कि शोरूम पे कोई दिक्कत हो रही थी आपको, कुछ मिल नहीं रहा इसका पार्ट्स वगैरह कुछ ऐसी कुछ? वो एक्चुअली अभी सर्विस वगैरह नहीं हो रही है वहाँ पे ना, सर्विस नहीं हो रही। अच्छा, उनका कुछ मैंने पूछा था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ऑडिट नहीं हो, ऑडिट की वजह से। तो ये कौन सा वाला सर्विस सेंटर की बात कर रहे हो? ये ओखला वाला है, ओखला वाला, ओके ओखला वाला, बाकी दूसरे वाले खुले हैं। ओके ओके ओके, तो दूसरे वालों में चल रही है सर्विस, पर आपका नियरेस्ट ओखला पड़ता है तो इसलिए आप ओखला में ही कराते हो सर्विस। हाँ, ये ओके। पहले की चीजें थी जैसे इसका ये टच, इसकी जो डिस्प्ले है, हाँ डिस्प्ले मैप वगैरह खुलने का इशू, वो तो सेम रहेगा। और नए वाले स्कूटर पे इन्होंने अभी जेन 3 आ गया, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो इम्प्रूवमेंट करिए, इम्प्रूवमेंट करिए। आपने जेन 3 ट्राई किया अभी? जेन 3 मैंने देखा है। अच्छा, उसको चलाया, चलाने में वो सेम ही है, सेम ही लगता है, बस थोड़ा किलोमीटर का उसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, बैटरी को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है। ओके,
और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर गए, मिरर चेंज कर दिए और बेल्ट भी चेंज हुई है। अच्छा, बेल्ट भी चेंज हुई है। बेल्ट भी चेंज कर दिए। ओके ओके। मिरर चेंज कर दिए, ठीक है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें उन्होंने जो है उसमें चेंज कर दिए, बैटरी की जो है वाटेज बढ़ा दिए उसमें, तो उसकी रेंज भी बढ़ गई पहले से, ठीक है। और बस यही है। और उसमें जिस हिसाब से मैं सोच रहा था कि इनका जैन 3 आएगा, उसको मैं कंपेयर कर रहा था कि सिंपल वन का जो स्कूटर आ रहा है ना, मैं उसको उससे कंपेयर कर रहा था कि उसकी जो लिमिट आएगी, जो रेंज आएगी, वो तकरीबन 200 किलोमीटर के अराउंड हमें आनी चाहिए। हाँ, सिंपल वन की 190 के अराउंड है शायद। तो एथर जो है मार्केट में काफी पहले से है, इनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए थी। ये एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। आपका स्कूटर पहले, आप मार्केट में पहले से कम्पीट कर रहे हो, कम्पीट क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले आप किंग हो। सबसे पहले स्कूटर आपने ही बनाया, मार्केट में उतारा है, ठीक है। तो यार आपको अपने स्कूटर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए जो कस्टमर को चाहिए। तो ये डिसअपॉइंटमेंट है एथर की बहुत ज्यादा। उन्होंने जैन 3 निकाला, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट किया उसको और मार्केट में उतार दिया, सेम एप्पल वाला हिसाब था। हाँ भाई, सेम टू सेम। आप सही कह रहे हैं। इसका जैन जो है 4 कब आता है, ठीक है, उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करी जाती है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो जो लोग है वो जाहिर सी बात है वो डाइवर्ट हो जाएंगे दूसरे ओला भी है, सिंपल वन भी है, अब आई क्यूब भी आ गया टीवीएस का, बिल्कुल काफी सारे आ गए हैं। बट एथर जैसे भाई ने बोला कि एथर इज अ किंग, तो एथर इज अ रियलिटी में किंग है गाइस, क्योंकि ये जो से क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी बता रहे हैं और यूज करा है इन्होंने, एक साल हो चुका है, एक साल से ऊपर हो चुका है, तो एक साल का ओनरशिप रिव्यू काफी मायने रखता है हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। मैं इसको एक्सट्रीम कंडीशन पे भी काफी ज्यादा चलाता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है ना। मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से ट्राई किया हुआ है। अच्छा, इंक्लाइन भी मैंने इसको चढ़ा के देखा हुआ है, इजीली चढ़ जाता है, तो पावर का ड्रॉप नहीं आता, पावर का ड्रॉप नहीं आता है, ठीक है ना, चढ़ जाएगा वापस, बैक नहीं मारेगा, पावर का भी इसमें ड्रॉप नहीं आता है, ड्रॉप नहीं आता। हाँ, तो बाकी तो ठीक है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी मेरे स्कूटर का भी सही चल रहा है, अभी मेरे को अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, अभी तो एक साल ही तो है, अपग्रेड की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया चलता है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपका स्कूटर जो है 200 किलोमीटर की रेंज भी दे रहा है तो आप कितना दूर तक जाओगे आप मेरे को ये बताओ। और क्या, सिंपल सी बात है, आप जो है 80-90 किलोमीटर ही चल पाओगे, तो ये बने ही सिटी के लिए है। कई लोगों को जो है क्वेश्चन ये रहता है कि भाई ये तो बहुत कम चलता है, 80-90 किलोमीटर चलता है, भाई आप कहाँ लेके जाना चाहते हो। जब लिया ही गाइस, जब आपने लिया ही इसलिए कि आपको आपको डेली कम्यूट करना है, लोकल कम्यूट करना लोकल है कम्यूट करना। और आपका 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपका डेली अपडाउन हो रहा है, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है। अब आप राइड के लिए इसको लेके जाओगे तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि बैटरी है। हाँ, बैटरी है, बैटरी कभी भी कहीं भी डाउनफॉल हो सकता है, और आपको हाँ बिल्कुल जैसे चार्जिंग का इशू आता है, अब पेट्रोल तो है नहीं, कहीं से भी आप डलवा लो। तो भाई का चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है। और उस पर क्या क्या कंटेंट रहता है उसमें, बेसिकली जो है जैसे नई जगह मैं विजिट करता हूँ, ठीक है, कोई और वो मैं डालता हूँ, ठीक है, और जैसे कि बाइक्स वगैरह राइडिंग वगैरह के जो है मैं व्लॉग्स वगैरह। ओके ओके ओके, चलो ज़्यादातर यही। तो मिलते हैं चंदन भाई, दोबारा मिलते हैं, बिल्कुल, है ना, सिनेमेटिक दिखाओ, दिखाते हैं।